तुम्हारा नाम है मुकेश है? क्यों, आपको पता नहीं है क्या? यहाँ सिर्फ हम सवाल करेंगे। ऐसा क्या? ठीक है, मेरा नाम मुकेश है। पढ़ाई कितनी की है? MBA। और काम क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? कंसल्टेंट कंपनी, मैनपावर एजेंसी। इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं? बिल्कुल। सुधा का किडनैप करने के लिए कितने लोगों का इस्तेमाल किया? क्या कहा? सुधा का किडनैप हो गया? नाटक मत करो, हम लोग सब कुछ जानते हैं। सर, सच में मैंने सुधा का किडनैप नहीं किया। ये फोटो देखो, रोज। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि सुधा का किडनैप किसने किया। तो इस वीडियो को देखो। नो सर, इस वीडियो को देखकर आप यह मत समझ लीजिए कि मैं ही गुनहगार हूं। सर, मैं आपको सारी सच्चाई बता देता हूं, फिर चाहे मुझे कोई भी सजा दीजिए। आधी रात को कौन घंटी बजा रहा है? सुनिए, इस वक्त कौन आ सकता है? पता नहीं कौन है, जाकर देखने पर ही पता चलेगा ना। कौन है? कौन है? कौन है? किसने घंटी बजाई? कहीं पेड़ के पीछे तो नहीं छिप गया? इतनी रात को कौन घंटी बजा सकता है? पता नहीं कौन है। कौन है? ए, 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 अंदर कहाँ जा रहा है? रुक। अरे कौन है? चोर, चोर, अरे रुक जा। चोर, अरे रुक। चोर, अरे कौन हो तुम? ऐसे कैसे हमारे घर में आ गए? अरे संभल कर जाइए। तुम मेरे पहले तुम जाओगी क्या? अरे एक मिनट रुको। अरे कौन है? ए रुक जाओ, ए दरवाजा खोल। में नहीं आ रही है क्या? हमारा कमरा खुला होगा इसीलिए हमारे कमरे में ही गया होगा। ए तू चुप रह। ए बाहर निकल। दरवाजा खोलो। ए दरवाजा खोलो। अरे हमारे घर में चोर घुस गया है। दरवाजा खोलो। बाहर निकल। ए रुक जा, नीचे देखो, आग लगा दी अंदर। पता नहीं कोई भयानक चोर लगता है। ए तू चोरी करने आया कि घर में आग लगाने आया है? बोल, खोल दरवाजा। अरे तुम चुप रहो। अरे ये क्या? कहाँ गया वो? कहाँ गया होगा? अरे मुझे थोड़ी पता है कहाँ है तू। ए कहाँ है? निकल बाहर। वो दिख। देखो कोई बाहर आ रहा है। ये रहा, मुंह छुपा के रखा है। हाँ, चेहरा छुपा रखा है उसने। हाँ? अरे ये सब ए, मुकेश? मुकेश, अरे ये तो मुकेश है। तूने तो डरा ही दिया हमें। अरे तुम चुप रहो, बताएगा ये। टाइम देखा है? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम 12 बज गए हैं। आज अपनी आंटी का बर्थडे है। मेरा जन्मदिन आपको भी याद नहीं, लेकिन देखो तो जरा मेरे दामाद को याद है। चलिए केक काटिए आंटी। थैंक यू मेरे बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे डियर आंटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ आपके लिए नहीं है। अरे खुश रहो मेरे बेटे। ए अपनी होने वाली सासू माँ का जन्मदिन याद रख के रात को 12 बजे केक काटने वाले तुम पहले दामाद होगे। हेलो। हेलो या दिस इज मुकेश। मैं मुन्नी बोल रही हूँ। मुन्नी बोल रही हूँ? हाँ। कौन मुन्नी? कल रात को जब तुमसे मिलने आई थी तो तुमने जो नोट दिए थे ना, उसमें से एक नोट जाली है। बहुत मुश्किल हो गई थी, पुलिस ने पकड़ा और अब मैं स्टेशन में हूँ। अब जल्द से जल्द आके मेरी जमानत कराओ। देखिए मुन्नी जी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, ये बताइए आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कल रात को नशे की हालत में तुम ही थे ना वो जिसने मेरे पेट पर अपना नंबर लिखा था, अब भूल गए क्या? ए, इससे ज्यादा बकवास मत करना।
तुम्हें पता है कि मैं कल रात कहाँ पर था? हाँ जानती हूँ, तुम्हारी सास के घर पर। ऐसा क्या? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं ना तुम्हारे सास की बेटी हूँ राजा। क्या कहा? बेटी? हे सुधा। हाँ, आखिर पहचान ही लिया। सुधा, मिमिक्री अच्छी कर लेती हो। ए, जानते हो मैंने किस लिए फोन किया है? किस लिए बताओ ना। मम्मी पापा 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। सो हम अपने मन के मालिक हैं। क्या कहते हो? हाँ, मतलब हम मजे करेंगे। बाप रे, कितनी भारी हो गई हो। ए, मैं 50 किलो की ताजमहल हूँ। मुझे भारी कह रहे हो तुम? हाँ? ए, क्या हुआ? क्यों? ये सब अभी नहीं, शादी के बाद करते हैं। जाओ, जाके हॉल में सो जाओ। अरे तुमने ही तो रात को साथ में रहने के लिए बुलाया था ना। साथ रहने के लिए, सोने के लिए नहीं। चलो जाओ। अब कैसे समझाऊं इस लड़की को? आजकल तो शादी से पहले ये सब कुछ तो आम बात है। अभी मैं इतनी मॉडर्न नहीं हुई हूँ। मैं एक भारतीय लड़की हूँ, सुसंस्कारी हूँ। सो एक अच्छे बच्चे की तरह हॉल में सो जाओ। मैंने गलती कर दी, दूसरे देश की लड़की से प्यार करना था। जाओ कर लो, रोका किसने है? चलो जाओ जाओ, बैड बॉय। मेरी जान। हाँ, एटलीस्ट एक किस तो दे दो ना। किस मांगते नहीं है, देते हैं। बाय बाय। यस। ए मुकेश, उठो ना। माँ, कॉफी। हे, ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। अरे कॉफी नहीं तो कम से कम नाश्ता तो दे दो। मुझे खाना पकाना नहीं आता है, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। जानते हो मेरे पापा ने इसी वजह से मेरी माँ से प्यार करके शादी की। अच्छा। और तुम्हें पता है, जब मेरे नाना नानी बद्रीनाथ गए थे ना, तब मेरी माँ ने मेरे पिताजी को गुलाब जामुन खिला के अपने वश में कर लिया था। तो तुम्हारे पिताजी गुलाब जामुन खाकर गड्ढे में गिर गए थे क्या? हे, मेरे पापा के बारे में ऐसा मत कहना। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। हे चलो, अब तुम जाओ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ओके, तो तुम तैयार हो जाओ। और जाते समय दरवाजा जरूर बंद कर देना, भूलना मत। La 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 la
अभी तक गए नहीं? तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए ही रुका हुआ हूँ। कैसा सरप्राइज? ये देखो ना। हे, क्या हुआ? छी, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतना गिर जाओगे। इतनी गंदी हरकत, वो भी मेरे साथ। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हारे प्यार का मतलब ये सब है क्या? मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। I'm so sorry, सुधा। मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। इसका ये मतलब तुम नहाते वक्त मेरा वीडियो बनाओगे? गलती मेरी है। घर पर कोई नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ए सुधा, देखो मैं अभी तुम्हारे सामने ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ। It's gone. Hey, मैंने सॉरी कहा ना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। इट्स ओके, बाय। अरे यार, बैटरी लो हो गई है। अरे सुन ना यार, अपना फोन दे ना, मेरी बैटरी लो हो गई है यार, एक कॉल करना है मुझे। ए, पैसे चाहिए तो दे देता हूँ, नया फोन खरीद ले, ये मेरा पर्सनल फोन है। हाय गाइस। हाय। हाय। हाय सुधा। हाय। क्या बात है सुधा, कॉल किए बिना आ रही हो? क्यों, मैं कॉल किए बिना नहीं आ सकती क्या? एक बात बताओ, इसके अलावा तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? गलती करके माफी मांगने वाला इंसान होता है और गलती किए बिना माफी मांगने वाला पति होता है, इसलिए मुझे शादी वादी करनी ही नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम मुकेश से दूरी रहो। और तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। बात ऐसी है कि मेरी जो लव स्टोरी है ना, बहुत छोटी है। छोटी मतलब 6 महीने तो चली होगी ना? बस एक मिनट। हाँ, वो कैसे? बस एक मिनट, मैंने उसे फोन किया तो बोली बोलिए भैया। So sad. Oh, क्या यार, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? मैंने कहा कि उसका चेहरा फूल जैसा है, उसे थप्पड़ मार दिया। फूल कहने के लिए? और क्या, मैंने गोभी का फूल बोला था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सुधा, why are you wasting your time with these boys? Come, let's go. हाँ, चलो कॉफी शॉप में चले। हाँ, sure. इतनी देर लगाने के बाद ऐसा क्या गिफ्ट खरीदा है? तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे ऑफिस के कलीग का वेडिंग गिफ्ट है। ए, क्या गिफ्ट है, मैं देखूं क्या? अरे नो नो नो। हे, नाटक क्यों कर रहे हो? क्या है इसमें? हे, ये क्या है? नाइटी। हाँ? शादी के अगले दिन ही तलाक करवा दोगे क्या उनका? ओ। नाइटी अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को देने वाला गिफ्ट है। कुछ करने से पहले सोचते ही नहीं हो। ठीक है, एक काम करती हूँ, इसे मैं रख लेती हूँ, उसे कुछ और दे देना। इसे रखने के लिए इतनी बड़ी एडवाइस दे दी? हाँ। ए, अरे ये क्या हुआ? अरे पेट्रोल नहीं दिखा रहा है, तुमने पेट्रोल नहीं डलवाया था क्या? तुम्हें मिलने की जल्दी में सब भूल गई। चलो कोई बात नहीं, नीचे उतरो। आप क्या करना चाहिए बताओ ना। देखते हैं कोई ऑटो आती है क्या। देखो एक ऑटो आ रही है, चलो रुकते हैं ना उसे। भाई अनूप नगर जाकर वापस आना है, चलोगे? हाँ बैठ जाओ साहब। कोई भी काम हो उसे छोड़ के फौरन 2 लीटर पेट्रोल लेकर 10वें एवेन्यू में खड़ी सुधा की कार के पास पहुंचो। तुम्हारा दोस्त मुकेश। मैं यहाँ खुद पेट्रोल के लिए धक्के खाता फिर रहा हूँ यार। दुनिया में और लोग अपने प्यार को अलग तरीके से बहाते हैं, लेकिन इसके प्यार को बहाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा।
कार में पेट्रोल डलवा के मुझे कॉल कर। कॉल करता हूँ मैं। बाय। भाई चले क्या? वहीं जहाँ से बैठे थे। हाँ भाई ठीक है सर। सर एक बात पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ। वो लड़की कौन थी, आप उससे शादी करने वाले हैं या ऐसे ही टाइम पास? भाई है? वो मेरी जान है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। शादी से पहले जान होती है, उसके बाद जान निकाल लेती है सर। ऐसी बात मत कीजिए भाई, मेरी जान के लिए मैंने अपने मन में ताजमहल बना कर रखा है। ताजमहल बाद में बनवाइएगा, पहले तो शादी करिए सर। अच्छा हाँ बोल ना। ए पेट्रोल ले लिया? हाँ ले लिया ले लिया। गाड़ी के पास ही है ना तू? हाँ वही हूँ मैं। ठीक है तू वेट कर, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। हाँ जल्दी आना यार। पहले मैं सुधा को फोन कर देता हूँ। हाँ हाँ कर दे। हे मेरा फोन नहीं मिल रहा है यार। हे कहाँ छोड़ा? ऑटो में। अरे लगता है ऑटो में छूट गया। हे उस ऑटो में ही छूट गया यार। हे हे अरे छोड़ ना, दूसरा फोन खरीद लेंगे। अरे ऑटो भी चली गई यार। हे तू नहीं समझेगा बे, उस फोन में मैंने सुधा का नहाते हुए वीडियो बनाया था यार। हे क्या बकवास कर रहा है तू? हे पासवर्ड तो डाला होगा ना? हे वो मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बेवकूफ है क्या तू बेटा? फंस गया तू। अगर उसने उस वीडियो को किसी साइट पे अपलोड कर दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए, बकवास बंद कर यार। छह वो वीडियो डिलीट करने के बाद रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर करना मेरी गलती थी यार। हाँ बस यही लोग। ठीक है साहब। कितने हुए? 96 साहब। अरे फोन भूल गए अपना। सर सर अपना फोन भूल गए आप। क्या हुआ? क्या साहब फोन का ध्यान नहीं रहता आपको, लीजिए। ओह थैंक यू। अरे मेरा फोन तो मेरे पास है, ये किसका फोन है? अरे यार ऑटो 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 ऑटो, छे पता नहीं किसका फोन है, ढूंढता होगा वो। दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा, इसलिए मैंने ले भी लिया। फोन तो स्विच ऑफ है यार। ए सुनना। हाँ क्या हुआ? ये ले ये फोन इस्तेमाल कर ले। थैंक्स यार। ए तुमने सुंदर के फोन पर ट्राई किया, उसने उठाया क्या? ट्राई तो किया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक तो उस ऑटो वाले ने फोन बेच दिया होगा। ए फोन बात करने के लिए होता है, कुछ और इस्तेमाल करोगे तो यही होगा। ए ए अगर वो वीडियो नेट पर लीक हो गया और उसे सुधा ने देख लिया तो वो और उसका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। हे भगवान, सोचने से भी डर लग रहा है मुझे। यार सुन एक काम करते हैं, मोहन अंकल के पास चलते हैं, वो तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना। यार ये बात मोहन अंकल को पता चली तो बड़ी बेइज्जती होगी। हे ऐसे छोड़ दिया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अबे सोच क्या रहा है यार, चलते हैं ना यार। ठीक है चल चलते हैं। चल गुड जॉब।
नमस्ते अंकल। नमस्ते बैठो। और राकेश, मम्मी पापा कैसे हैं बताओ? हाँ अच्छे अंकल। यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है अंकल, मुकेश का फोन कहीं खो गया है। तो इतना सोच क्यों रहे हो, नया खरीद लो। दरअसल इसने उस फोन में कुछ बेवकूफी कर दी थी अंकल। ऐसा क्या क्या इसने, कोई गंदी फिल्म बना ली क्या? ए, चोरों की तरह क्या देख रहे हो, हाँ सच में ऐसा कुछ किया है क्या? हाँ अंकल, एक्चुअली इसने अपने मंगेतर का उसमें नहाते वक्त वीडियो बनाया था। इडियट, तुम्हें पता भी है इसने कितना बड़ा गुनाह किया है? हाँ अबे मुझे क्या घूर रहा है। ठीक है कंप्लेंट मत देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पांडे सर जरा अंदर आओ तो। ओके सर। सर पांडे देखो, इस नंबर का फोन गुम गया है। इस नंबर के सारे कॉल्स को ट्रैक करके मुझे तुरंत सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। पांडे। यस सर। एक मिनट रुको, देखो ये बहुत ही सीक्रेट मैटर है और बहुत सेंसिटिव, ये मेरे रिश्तेदार हैं, होशियारी से। ओके सर। अच्छा अब तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है अंकल। जाओ। थैंक्स अंकल। अंकल प्लीज ये बात मम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है तुम जाओ। इस फोन को चार्ज करता हूँ। सर बॉस ने आपको बुलाया है। हाँ। ए, हाँ? तुमने फोन ट्राई किया क्या? हाँ किया ना, रिंग तो जा रही है लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उठा नहीं रही है। चलो फोन तो आया। माय गर्ल नाम से है। हेलो। हाँ मुकेश, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। हेलो मैडम, मैं मुकेश नहीं हूँ, सतीश हूँ। तो मुकेश कहाँ है? ओ, तो उनका नाम मुकेश है, उनका फोन मेरे पास आ गया है, मुझे कॉल करने के लिए कहिए, मैं वापस दे दूंगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। ओ तो ये उसकी गर्लफ्रेंड है। हाय गाइस। हाय। 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 क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हो? ओ, फोन खो गया इसलिए। हाँ सुधा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी तुम्हें कॉल किया था, किसी सतीश ने फोन उठाया। क्या कहा? मैंने किया तब तो उसने उठाया नहीं। हेलो। ए, जब मैंने फोन किया तब तूने नहीं उठाया, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड का फोन तूने तुरंत उठा लिया। तू कहाँ है बता, मैं अभी आकर तेरे से फोन लेता हूँ। सर शराफत से बात कीजिए। ए, शराफत का समय नहीं है, तुझे जान से मार दूंगा, पहले मेरा फोन वापस कर। सर अगर ऐसी बात करेंगे ना तो आपका फोन नाले में फेंक दूंगा। हाँ तो पहले वही कर, जा नाले में फेंक दे फोन को। तेरी बातों से ऐसा लग रहा है तेरे फोन में कुछ है। रुक जा पहले चेक करता हूँ। ए, सुन सुन सुन। ए। हाँ ओके ओके ओके, तू जहाँ बोलेगा मैं वही आकर ले लूंगा। ओके थैंक्स। क्या हुआ? मैंने बहुत डांट दिया ना तो बेचारा डर गया।
ओहो अरे बाप रे अरे सुन ना मैं जाता हूँ तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ आइसक्रीम अभी ए, मैं जाके शेविंग क्रीम मतलब समोसा लेके आता हूँ क्या बकरा है ये मुझे क्या पता ये सब तुम्हारे दोस्त हैं अब इसको क्या हुआ मुकेश तुम गलत कर रहे हो ए, उस फोन में मेरा वीडियो ए, क्या बात कर रही हो मैंने तो डिलीट कर दिया था लेकिन मेरे सारे बिजनेस कॉन्टेक्ट उसमें है एम्स्टरडेम वाली पार्टी के डिटेल्स भी उसी में है यार बिना उसके मैं कॉल ही नहीं कर सकता नहीं तो कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा हेलो देख लिया मैंने वो वीडियो देख लिया तो कितना गंदा आदमी है अपनी गर्लफ्रेंड का नहाते हुए वीडियो बनाता है शर्म नहीं आती तुझे कितना बुरा आदमी है तू जिन आंखों से तूने वो वीडियो देखा है ना उन्हें फोड़ दूंगा कैसा आदमी है तू यार गलती करने के बाद भी धमकी दे रहा है तुझे अगले 24 घंटे में पकड़ लूंगा 24 घंटे में ये वीडियो वायरल कर दूंगा मैं मैसेज आया है एक छोटा सा गेम देखते हैं कैसा गेम एक मिनट में किसका दिल ज्यादा बार धड़कता है देखते हैं नहीं नहीं मुकेश इसमें जरूर कोई तुम्हारी शरारत होगी कोई शरारत नहीं है आओ ना ये तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है अरे तुम्हारा दिल भी तो मेरे अंदर ही है ना इसलिए डबल साउंड आ रहा है तुम ना एक नंबर के चीटर हो अच्छा ये लो चलते हैं इससे भी ज्यादा मजेदार गेम है ये अरे यार क्या हुआ मैं बाइक की चाबी भूल गया यार तुम नीचे इंतजार करो मैं जाके ले आता हूँ ठीक है लेकिन जल्दी आना हाँ बाय जान बची लाखों बाय क्या कहा सर अरे यार तू बहुत लेट हो गया वीडियो मैंने अपने पास सेव कर लिया है सर मैंने उसे डिलीट कर दिया सर क्या डिलीट कर दिया ओ इसका मतलब वो तेरे साथ है सर भगवान के लिए मेरा फोन मुझे वापस दे दीजिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ सर भगवान के लिए वापस दे दो ओ जो मैं कहूंगा करोगे हाँ करूंगा सर ठीक है तो एक काम करो कल सुबह ठीक 9 बजे CM इंटरनेशनल कंपनी आ जाओ मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ तुम अपना फोटो भेजो मेरा नंबर नोट कर लो 9511117471 ठीक है सर अच्छा तो तू मुकेश है दिखने में तो अच्छा खासा दिख रहा है आ जा बेटा ए जरा रुक किसी का फोन आ रहा है किसका फोन है भाई हेलो मुकेश मोहन बोल रहा हूँ मैं हाँ बोलिए ना अंकल वो अडयार से बोल रहा है उसका जो सिम है ना वो किसी नरेश के नाम से है लेकिन अब वो जिंदा नहीं है लगता है बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे लेकिन उसका पता यहाँ का नहीं है मैंने अपने आदमी को भेजा लेकिन घर लॉक अंकल उसका नंबर आपको किसने दिया वो राकेश ने दिया है क्या कहा अरे क्या हो गया यार
अंकल वो सब मैं संभालूंगा, आप छोड़ दीजिए। क्यों, पुलिस पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं अंकल, मैंने जल्दबाजी में एक गलती कर दी है, इसलिए आपको सब बाद में बताऊंगा। हाँ ठीक है। ए, उसका नंबर मोहन अंकल को क्यों दे दिया? ताकि जल्द से जल्द से पकड़ सके यार। वो भी ना यार, चल चलते हैं। ए, लेफ्ट में उस गेट के पास रुक। हाँ सुनना भाई, होशियार रहना तू। ठीक है, तू निकल यहाँ से। हाँ हेलो। बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गया, टाइम का पंचुअल है बॉस। सर मुझे अब क्या करना है? वहां देखो, ब्लू शर्ट पहने एक आदमी आ रहा है। जी हाँ सर, वो आ रहा है। हाँ लेकिन वो तो अंदर चला गया, वो कौन है? वो यहाँ काम करता है, अगले 5 मिनट में वो इस ऑफिस से कच्चे में बाहर भागना चाहिए, समझा? सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुमने ही तो कहा था तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ कहा तो था, तो अब करो। हे तू कौन है? कौन है तू? मेरे कपड़े क्यों उतार रहा है? मुझे मार क्यों रहा है? छोड़। अगले 5 मिनट में इसी हालत में नहीं भागा ना तो तेरी बीवी की भी यही हालत कर दूंगा। चल भाग। सावित्री। अरे चाबी भाग यहां से। मेरी सावित्री। हेलो। सुपर मेरे हीरो। अभी क्या करना है? अब एक काम करो, यहाँ से सीधे स्कोर जिम जाओ और वहाँ मेरा वेट करो। मैं वहीं मिलूंगा, 11 बजे तक पहुँच जाना, ठीक है? ओके। अरे तो खड़े क्या हो? जाओ जाओ जल्दी। सर आपने स्कोर की माने के लिए कहा था, मैं पहुंच गया हूं। वहीं इंतजार करो। अभी एक लड़की जिम के अंदर गई है। हाँ। वो रोज जिम में आती है। जाकर उससे बातें करके दोस्ती करो और फिर लिफ्ट लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाओ, समझे ना? तुम्हें उसकी कार में लिफ्ट लेना है। सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हेलो, देखने में हीरो लगते हो, जाओ जैसा कहा वैसा करो। क्या मुसीबत है। हेलो सर, आपकी बीवी को कोई पिकअप कर रहा है? सर ए क्या बक रहा है? सर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, स्कोर जिम जाकर खुद देख लीजिए, बहुत दिनों से चल रहा है सर। हेलो 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 मैडम, इस जिम में वर्कआउट करने के लिए आपको मेंबरशिप किसने दी? क्यों, इस जिम में वर्कआउट नहीं कर सकती क्या? नहीं नहीं, यहाँ खूबसूरत लड़कियों के वर्कआउट करने पर रोक लगी है, शायद आपको पता नहीं है ये। Do I look so beautiful? एक सच्चाई बताऊं? आप बहुत सुंदर हो। मैडम आप आगे सिग्नल के पार ही जा रही है ना? हाँ।
क्यों? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकती हैं? Oh sure, why not? Thank you madam. आइए. कमीनी कहेगी मुझे धोखा दे रही है. आज तुझे रंगे हाथों पकड़ना. मैंने जो टिप्स दिए उसे फॉलो करना. जल्दी स्लिम हो जाओगी. या श्योर जरूर. बदलाव आप खुद देखोगी. थैंक्स. अच्छा मैडम मुझे यही उतरना है. Okay. थोड़ा स्टॉप कीजिए ना प्लीज. श्योर. बाय. ओके सी यू. हेलो सर, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया. बहुत शुक्रिया मुकेश, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा. तुम 4 बजे मंदिर आ जाना, मैं तुम्हें फोन वापस कर दूंगा. सर आप किस रंग की ड्रेस में होंगे? चालाकी मत कर समझा, चुपचाप आ जा, फोन तुझे मिल जाएगा. ओके सर. अरे यार हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे. हे, तेरा फोन जैसे ही मिल जाएगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. क्या कहा, उसे मारोगे? हे, हमें कोई झगड़ा नहीं करना है. नहीं यार, मेरे गुस्से के कारण ये बात इतनी आगे बढ़ गई. तुम में से कोई नहीं आएगा, ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा. हेलो. हेलो, गाड़ी चला रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं बिजनेस मीटिंग में बैठा हूँ. इस दुनिया का ना सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं मीटिंग में हूँ. मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ. हे, राकेश की छत पर मीटिंग हो रही है ना. हे, ये बात तुम्हें कैसे पता? मतलब वाकई में तुम वही हो? हे, मजाक मत करो. आखिर सच्चाई बाहर आ गई ना. हे, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करना. तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है? तुम्हारा फोन तो मिल गया ना, फिर तुम ये फोन क्यों यूज कर रहे हो? हाँ मिल तो गया है लेकिन उसमें चार्ज नहीं है. ये बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ? उफ़, मुझे बहुत ही जरूरी काम है अभी. हे, तुम बहुत नाटक कर रहे हो. अब नाटक करने की बारी मेरी है. मैं दिल्ली जा रही हूँ और ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी. हे, ये क्या कह रही हो? ओह शिट. हेलो हेलो सुधा. ओह, मैंने सब बता दिया. तू नहीं, एक नंबर की बेवकूफ है. चल. पुलिस को साथ लाया है? सर कसम से नहीं सर. अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ. अरे सतीश. हाँ सर. Thank you.
चल अंदर। सर मेरी बात सुनिए सर। मैडम सर सर पांडे इसे लेकर जाओ। यस सर। तेरा फोन देना। देता हूँ सर। ये लो तुम्हारा फोन। थैंक्स अंकल। लेकिन आप यहाँ कैसे? हमने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। दिन रात मेहनत करके हमने इसे पकड़ा है। अब तुम आराम से जाओ और टेंशन मत लो। हाँ मैं निकल रहा हूँ। ठीक है अंकल। वाह। सतीश ग्राफिक डिजाइनर। सर मेरा फोन दीजिए। मेरा फोन क्यों छीन लिया? मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। कॉल करनी है? फोन की वजह से फंसा अभी और बात करनी है? थाने चल, अभी तेरी खबर लेता हूँ मैं। सर दे दीजिए ना। बोलिए ना सर। दे दीजिए, देखिए क्या बात करता है। हाँ ले। थैंक्स सर। हेलो। अगले आधे घंटे में मैं अगर अपने घर नहीं पहुंचा तो वीडियो वायरल हो जाएगा। क्या कहा? एए! हेलो। हेलो अंकल, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ। बोलो मुकेश। वो कह रहा है कि अगले आधे घंटे में वो वीडियो अपलोड कर देगा। इसे छोड़ दीजिए अंकल। ए, वो झूठ बोल रहा है। अगर सच हुआ तो प्लीज मेरे लिए छोड़ दो ना अंकल। हेलो पांडे। बोलिए सर। ए, गाड़ी साइड लगाओ। देखा आप लोगों ने मेरी पहुंच। चलो उतर नीचे। ए, रुक। सर फोटो चाहिए? एक मिनट सर। आई एम रेडी सर। अब खींचिए सर। हाँ ठीक है जाओ। थैंक यू सर। उसको जिंदा छोड़ना गलती है। वो झूठ बोल रहा है। ऑटोमेटिकली कैसे अपलोड हो जाएगा? कर दिया तो बेइज्जती तो सुधा की होगी ना। हेलो। हे मैं बोल रहा हूँ। ये कौन सा नंबर है यार? अरे लैंडलाइन है रे। पुलिस हमारी बातों को टैप कर रही होगी इसलिए सावधान हो गया। कल सुबह हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन कुमार। वो कोई भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो वीडियो बस वहां से डिलीट कर दो और मेरी जिंदगी से चले जाओ। कल टीवी पर वो कवरेज देखकर मैं खुद डिलीट कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ये तो फिर से मुझे मुसीबत में डाल रहा है। अब क्या होगा भाई? ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा लगता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। हाँ बोल ना। इस आईडी कार्ड पर उसके ऑफिस का पता है। यहाँ जाकर उसके घर का पता निकाल ले। देखा। पता लगाता हूँ मैं। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। 800 रुपए दिए थे लेकिन देखिए कैसे नारे लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। 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 हां हां ऐसे ही माला पहनाओ। हां ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। ये पकड़ो बेकार में खड़े हो। ठीक है ठीक है। तुम भी पकड़ो ऐसे ही खड़े हो। भैया हमारा बैनर अच्छा लगा ना? भारत के ओसामा आपका यहाँ पर स्वागत है। ये सब क्या है बे? विजय भैया हमारी पार्टी में अभी भी बहुत से अनपढ़ भरे पड़े हैं। ये उसी का उदाहरण है। ये सब क्या है? नेताजी को अमेरिकी राष्ट्रपति जितना महत्व दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा है, इतना भी दिमाग नहीं है क्या? तुमने क्या छपवाया है? ये सब सही है क्या? ओसामा के पीछे बिन लादेन है। बिन लादेन नेताजी के आतंकवादी हैं। वो क्या लादेन है? आज तो कॉन्ट्रैक्ट की शामत आ गई, समझ गए? चलो हाँ? चलो जल्दी। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार।
जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार जिंदाबाद। भैया को हार पहनाना है, अभी पहना देता हूं। हाँ पहनाइए। धन्यवाद। फोटो भी खींचिए। हाँ पहनाइए। हाँ। अरे नेताजी की गर्दन ना मोचा जाएगी। फोटो लिया ना। चलो अभी हार निकाल दो, लेके जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। मैं हटाता हूँ। हो गया, साफ हो गया। आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सभी का स्वागत है। अब हमारे प्यारे केंद्रीय मंत्री भाई नितिन कुमार जी हम सभी के बीच दो शब्द कहेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। हमारी पार्टी के स्थापना दिवस पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को मैं तहे दिल से अपना आभार प्रकट करता हूं। जब मैं आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। आगामी चुनावों में हमारी पार्टी को दोबारा जीत हासिल करा के सत्ता हासिल करनी है। इतना ही नहीं, चुनावों के लिए धन की बहुत जरूरत होती है, इसलिए सब लोग दिल खोलकर दान दीजिए। कौन है तू? पकड़ो इसे। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। रुक जाइए। अगर आप लोग मेरी इज्जत करते हैं तो उसे मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाइए। भैया आपके ऊपर इसने जूता मारा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप इतने शांत हैं। ठीक है। भैया इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। शांत हो जाइए। अगर सारे लोग बदला लेने पे उतर आएंगे तो इस पुण्य भूमि पर खून की नदियां बहने लगेंगी। हिंसा किसी भी बात का हल नहीं है। इस लड़के को मारने की क्या जरूरत थी? हाँ बेचारा प्यासा लगता है, पानी पिलाए उसे। ये लो भाई, पानी पियो भाई। हाँ पियो। ये लो अपना जूता पहन लो, वरना एक जूते से चल नहीं पाओगे। पहन लो। ए देखा, हमारे नेताजी का बड़प्पन, तुम्हारे मारे हुए जूते को वो खुद उठाकर लाकर तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुमने क्या किया? विजय जी पता नहीं ये क्या सोच रहा है, पता नहीं इसे किस बात का गुस्सा है। इसे जो करना था कर दिया, अब इस बात को ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। भैया ठीक है, ठीक है, अब तुम जाओ भाई, और सुनो संभल कर जाना। शांत हो जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठ जाओ सब। मामा? अरे मुकेश, तुझे टीवी पर देखा, ये सब बेकार के लफड़ों में क्यों पड़ रहा है? तुझे इन सब से क्या मतलब बेटा? मुझे डर लग रहा है। माँ आपको कुछ पता नहीं है, आप टेंशन मत लो और डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जल्दी से आ जाना। हाँ मैं आ रहा हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मुकेश ने क्या कहा? मिलकर बताता हूँ कि अगर फोन काट दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, उसने कहा है ना, वो आकर सब बता देगा, उसे कुछ नहीं होगा। पर वो ये सब कर क्यों रहा है? यार विपक्ष के एमएलए ने फोन किया था, अपनी पार्टी में तुम्हें पोस्टिंग देने की बात कर रहे थे, बहुत पैसा मिलेगा। ए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें आगे बढ़ाए, लेकिन भगवान हमारी परीक्षा लिए बिना नहीं रहेंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे सुन, मैं सतीश के ऑफिस गया था, वहाँ से उसके घर का पता निकाल लिया। चल चलते है ना। चलते हैं। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, चलो पुलिस के पास चलते हैं। एक तो उसने गलती की, उसके बाद ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी बात है तो इसने जो वीडियो बनाया वो गलत नहीं था क्या? देख रवि तू यहीं पर रुक, हम जल्दी वापस आएंगे। नहीं यार मैंने बोला ना तू यहीं पर रुक। हाँ
हेलो बॉस, बैठ जाओ ना। कितना दौड़ाया मुझे, लेकिन देख तुझे ढूंढ ही लिया, अभी बात कर रहा हूँ। हे, कहते हैं मरने के पहले उसे एहसास होने लगता है, तुझे एहसास हुआ है क्या कुछ? तूने मुझसे कितने गलत काम करवाए। उसका कारण कि तू गलत था। ए, ऐसी बातें करके बच जाएगा क्या? हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है, देख तेरा क्या हाल बनाता हूँ। जल्दबाजी मत करना, मेरा कंप्यूटर यही है। अबे क्या है तेरे कंप्यूटर में, उधर देख। कंप्यूटर की जान मैंने पहले ही निकाल ली है। ये तो बहुत चालू है। ए, छोड़ना यार, उससे तो बकवास होती रहेगी, पहले इसका इलाज करना। कमीना कहीं का। ए, जल्दी कर। ए, सर पकड़ इसको। चल चलते। हेलो। एक तुम लोग कहाँ हो? अबे उसको उठा लिया हमने, बस जा रहे हैं इसका खेल खत्म करने। इसे भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। ए, ऐसा कुछ मत करना। फोन रख जाए। ए, नमस्ते, मिनिस्टर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया है क्या? जी नहीं। बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते हो? उनसे कहिए कि उनके ऊपर जूता मारने वाला आया है। ओ, तू ही है? चलो हाथ मिलाओ। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा और तूने कर दिया। क्यों, मंत्री पगार ठीक से देता नहीं है क्या? वो सब ठीक से देता है, लेकिन पीने के बाद गालियों से भर देता है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं पूछ कर आता हूँ, ठीक है? कहीं जाना मत। हेलो। हाँ हाँ, सुनो, ये बताओ आपसे कितनी बार कहना पड़ेगा, भैया इस महीने फुल हैं। अरे मैं उस फुल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिबन काटने में फुल हैं, फुल बिजी हैं वो। रखो अभी फोन। सर। क्या हुआ? नेताजी से मिलने के लिए कोई लड़का बाहर खड़ा है। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि नेताजी से मिलने से पहले मुझसे मिलना होता है, जाके बताओ उसे। बता दिया सर, ये वही लड़का है जो नेताजी को जूता मारा था। जूता मारने वाला आया है? तुम क्या कह रहा, मुझे खुद को डर लग रहा है। क्या शोर मचा रखा साहब? आपके ऊपर जिसने जूता फेंका था वो आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? हाँ भैया, वही लड़का है जिसने मीटिंग में आपके ऊपर जूता फेंका था, वही है। वो मिलने आया है? हाँ साहब। अंदर भेज दो। ठीक है साहब। ए भाई, तुम्हें अंदर बुलाया, जाओ जाओ। सुनो, जूता यही निकाल दो, अंदर जूता पहन के जाना मना है। तेरी इतनी हिम्मत, जो नेताजी से मिलने यहाँ तक चला आया, उस दिन तूने नेताजी के मुंह पर जूता फेंका था, आज का एसिड फेंकने आया है। सर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ए, अकेले में क्या बात करनी है? तुम चुप रहोगे? भैया, ठीक है भैया। ए भैया जी को अकेले में बात करनी है, चलो यहाँ से। नमस्ते सर। वैसे मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, इस सबके पीछे वजह तो वो एक कमीना है। आपको साफ साफ बताता हूँ सर, मेरी लवर का मैंने नहाते समय मजाक में एक वीडियो बना लिया था। वो मोबाइल गलती से एक कमीने सतीश नाम के लड़के के हाथ लग गया, उसने मुझे ब्लैकमेल करके आपके ऊपर जूता फेंकने के लिए मजबूर कर दिया। सर, मैं नहीं जानता कि आपके और उसके बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरी और आपकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए आपसे सॉरी कहने आया हूँ सर। मिस्टर क्लीन, राजनीति में मेरा यही नाम है, लेकिन तूने उसे डर्टी कर दिया। मन तो कर रहा है कि अभी तुझे मार के घर के पीछे दफना दूं। सर, मैं ये तो जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए इधर देखिए, ये पेन नहीं है, वायरलेस कैमरा है। मेरा दोस्त सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा है, अगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं गया ना तो आपको जेल जाना पड़ेगा।
अच्छी तरह सोच लो। आप टीवी नहीं देखते हैं क्या? आजकल तो लोग चश्मे में भी कैमरा लगाकर घूम रहे हैं सर। अगर मैं मर गया ना तो ये वीडियो लाइव हो जाएगा, अगर मैं जिंदा गया तो वीडियो अपने आप खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए। बहुत चालाक। छोटे तुम इसी शहर के हो ना? फिर मुलाकात होगी तब देखूंगा। अब तुम जा सकते हो, जाओ। ए, जाना। छे, इडियट। क्या हुआ भाई, साहब से मुलाकात हो गई ना? हाँ मुलाकात हो गई। दस्तखत करने के लिए पेन लिया था ना, गलती से ले आया। ये लीजिए, वापस दे देना। अरे पिन नहीं छोड़ता, पेन कैसे छोड़ दिया? ठीक है मैं दे दूंगा, तुम जाओ। जाओ चलता हूँ। ए, लगता है पेन के खोने से भैया बहुत परेशान है। भैया भैया आजकल आप बहुत लापरवाह हो गए हैं। उस दिन आपने अपना लक्की पेन उस लड़के को दे दिया था, ये लीजिए आपका पेन, वो वापस दे गया है। ये मेरा पेन नहीं है, कैमरे वाला पेन। क्या कहा, इस पेन में कैमरा है? ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। ठीक है। ये लीजिए पेन। छे, अंदर रख दो इसे। ठीक है भैया। ये तो सुबह की गाड़ी लग रही है। वो यहाँ क्या कर रही है? हेलो। अरे सुधा, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, तुम दिल्ली से कब आई यार? अभी तो एयरपोर्ट से निकली ही हूँ। तुम नितिन कुमार के घर पे क्या कर रही हो? ये सब तुम्हें कैसे पता? ये बताओ कि तुम वहाँ कर क्या रही हो। ठीक है सच बताती हूँ, नितिन कुमार मेरे बड़े भैया हैं। क्या कहा, नितिन कुमार तुम्हारे बड़े भैया? हाँ बाबा, बाकी बातें जब तुमसे मिलूंगी तो बता दूंगी, फोन पर नहीं। सुधा कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा माँ बाबूजी कैसे? हाँ, मैं तुमसे मिलने दिल्ली गई और तुम यहाँ आ गए। सेंट्रल मिनिस्टर के प्रोग्राम ना ऐसे बिजी होते हैं, तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? मैंने किया था, उन्होंने ही मुझे दिल्ली आने के लिए कहा। सॉरी कंफ्यूजन। मैं किस लिए आई हूँ आपको पता है? बताओगी तो पता चलेगा ना, बोलो। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। hey! और नवंबर में मम्मी पापा ने हम दोनों की सगाई के बारे में सोचा है। So, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे इनवाइट करने आई हो, है ना? तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ कि तुम्हें फंक्शन में बुलाऊं या नहीं। क्योंकि ना मैंने टीवी में न्यूज देखी, तुम्हारे और मुकेश के बीच में क्या प्रॉब्लम है? मैं उससे ही प्यार करती हूँ। तुम किस लड़के की बात कर रही हो जिसने मेरे ऊपर जूता फेंका था? हाँ मेरी बात सुनो सुधा, ये सही है कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, वो एक नंबर का लफंगा है, उसने तुम्हारा नहाते समय वीडियो बना रखा है। ए सुधा देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने ये वीडियो डिलीट कर देता हूँ। लेकिन उसने तो डिलीट कर दिया था। वो अच्छा लड़का नहीं है, भूल जाओ उसे। भैया को कैसे पता चल गया? क्या समझ में आया?
दैट्स माय प्रॉब्लम। मम्मी पापा ने उसके लिए हाँ कह दिया है। हमें तुम जरूर पसंद हो, लेकिन तुम्हारा काम ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। देखो सुधा, मुझे जो पसंद है वो मैं कर रहा हूँ। सुनो, राजनीति में मेरा बहुत बड़ा नाम है। एक काम करो, माँ बाबूजी को लेकर मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। वो बहुत जिद्दी हैं, तुम जाकर उन्हें समझाओ। तो मैं भी उनका ही बेटा हूँ और मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे तुम्हें अपना काम पसंद है ना, वैसे ही मुझे मुकेश पसंद है। ए, वो वीडियो बाहर आ गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कोई नहीं जानता कि तुम मेरे भाई हो, सो तुम चैन से रह सकते हो। आजकल का मीडिया बहुत तेज है, पता हो वो कभी भी इस बात का पता लगा सकता है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम मैं देख लूंगी। सुधा, बाय ब्रो। ए, आजा मुकेश बेटा, बैठ। आओ बेटा। हाय मॉम, डैड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। पहले नाश्ता तो कर लो, ये क्या डाइट डाइट कहकर भूखे रहते हो? ओहो, इडली नहीं, इसमें बहुत कार्ब्स है। हे सुधा, कैसी है? वो अच्छी है डैड, मैं उसी को कॉल करने वाला हूँ। उससे बात किए हुए एक हफ्ता हो गया। उसने एक बेस्ट मोबाइल ऐप इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, इसलिए उसके कॉलेज ने उसे दिल्ली भेजा है। उसकी सहेली ने मुझे बताया। मेरे पास भी एक ऐप्स का आइडिया है, सुधा से कहकर उसको डेवलप करने के लिए कहोगे? मुझे भी बताइए ना क्या है। रात को नशे की हालत में गाड़ी चलाने से पुलिस पकड़ती है ना? हाँ, पकड़ती है। एक किलोमीटर दूरी पर पुलिस हो तो पहले से सावधान कर देता ही है। बोलो कैसा है? ड्रंक एंड ड्राइव तो गुना है, उससे बचने के लिए ऐप बनाना उससे भी बड़ा गुना। डैड, मैं इसे अनलाइक करता हूँ। हेलो। हे सुधा। क्या है, बोलो। कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ तो तुमसे मिलना चाहता हूँ, बातें करनी है। कहाँ? हम जहाँ हमेशा मिलते थे ना। ओके, मिलते हैं। हे। मुझे किस लिए बुलाया? क्यों, मुझे देखकर बात नहीं करनी है? ए, छोड़ो। अब देखना मैं क्या करता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मैंने कहा। हे। हाँ? क्या हुआ, सपना देख रहे हो? हाँ, क्योंकि हकीकत में तुम लड़ रही हो इसलिए सपने देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा बताओ क्या बात है। पिछले हफ्ते तुमसे मिल नहीं पाया, मैं बिजनेस में बहुत बिजी था। ए, तुमसे एक बात पूछना भूल गया, नितिन तुम्हारा भाई है, तुमने बताया नहीं? नितिन का राजनीति करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है, इसीलिए मम्मी पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सिर्फ मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हारे जूता फेंकने की बात मैंने उससे पूछी थी। इसके लिए नितिन ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने तुमसे पूछने को कहा। अच्छा, उसने और कुछ नहीं कहा क्या? हाँ, और तो कुछ भी नहीं कहा। उसने हम दोनों को कहीं देख लिया है, शायद इसलिए मुझे बुलाकर धमका रहा था, तो मैंने भी गुस्से में उस पर जूता फेंक कर मारा था। हे, नाटक कर रहे हो क्या? नितिन ने मुझे सब बता दिया है। तुमने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया ना? ए, सुधा, सुधा रुको ना, मेरी बात तो सुनो, सुनो तो। हे, जाने दो। प्यार करने वाले कुछ भी नहीं छुपाते, लेकिन तुमने सिर्फ झूठ बोला। अब सब कुछ खत्म हो गया, हम साथ में नहीं रह सकते। गुड बाय। सुधा, मेरी बात तो सुनो। सुधा को मैं समझा नहीं पाया, सारी गलती मेरी ही है। हमने एक जिंदा आदमी को पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसकी लाश तो किनारे पे आनी चाहिए थी ना। अच्छा देखो, हमसे गलती हुई है, लेकिन अब हमें डरना नहीं है, बस ऐसे ही कैजुअली रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अबे कैसे रहे, पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को पता चल भी गया तो हम पर शक क्यों करेंगे? ए, मोहन अंकल को तो इसके बारे में सब कुछ पता होगा ना? ए, मुकेश, पुलिस आ रही है। क्या? तुम्हें से मुकेश कौन है? मैं मुकेश हूँ, क्या बात है सर? तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। लेकिन किस लिए अरेस्ट कर रहे हो? वो सब कुछ पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चल बैठ। क्यों रे, ऐसे बोल रहा है जैसे गणपति विसर्जन किया हो। सच सच बता, तूने वाकई सतीश का खून किया है या फिर इस केस को भटकाने के लिए झूठ बोल रहा है?
वेरी इंटरेस्टिंग, किडनैपिंग केस को मर्डर केस में बदल दिया। सर, सुधा को बचाने के लिए मैंने आपको सारी बातें सच सच बता दी। रामपाल, व्हाट्स नेक्स्ट? हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। पुलिस ऑफिसर रामपाल। I'm Rose. क्या बात है? आपकी बेटी सुधा के बारे में कुछ पूछना है। आप लोग वाकई पुलिस ऑफिसर हैं या फिर टीवी सीरियल में जैसे नकली पुलिस वाले आते हैं उस टाइप के पुलिस वाले? सर मजाक मत कीजिए, बी सीरियस। नहीं सर, मजाक तो आप लोग कर रहे हैं, मेरी बेटी को मुकेश अगवा कर ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? वो हमारे घर का होने वाला दामाद है सर। हाँ सर। आपकी बेटी से आपने आखिरी बार कब बात की थी? अपनी सहेली की शादी के लिए दिल्ली गई थी, वहीं से उसने फोन किया था। लेकिन उसे यहाँ से अगवा किया गया है। क्या कहा? हे भगवान, ये तो अपनी सुधा है। हमारी बेटी किडनैप हो गई, ये खबर आपको किसने दी? केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार। ओह, और आपका उनसे क्या रिश्ता है? ये आप उनसे ही पूछो ना। उन्होंने कहा है इस बारे में पब्लिक मीडिया को पता नहीं चलना चाहिए, और इसीलिए हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जांच कर रहे हैं। आपकी बेटी के बारे में कोई भी जानकारी मिले या फिर पैसों के लिए कोई फोन आए तो हमें तुरंत जानकारी दीजिए। ये है मेरा कार्ड, रोज चलो। हे भगवान, सुनिए जी, पता नहीं हमारी सुधा के साथ क्या हुआ होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में रोना बंद करो। इस सीढ़ियां चढ़ चढ़कर मेरी शुगर उतरती जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। भैया क्या है? वो बात ऐसी है कि कोई गणेश और साथ में लक्ष्मी जैसी माताजी आई हैं। उन्हें बैठा के चाय पानी के लिए पूछा कि नहीं? भैया उनका स्वागत करने के लिए वो कोई मंत्री है क्या? आप नहीं जानते, मैं बता देता हूँ, वो बुड्ढा बहुत घमंडी है। भैया जान से मार दूंगा। आओ माँ। पिताजी अंदर चलिए ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहीं ठीक हैं। तुम पूछो इससे। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। किसी भी तरह सुधा का पता लगाओ। मुकेश को बाहर आने के लिए कहो, वो हमारे घर का होने वाला दामाद है। अच्छी तरह बेवकूफ बनाया उसने आप लोगों को। आप जानते हैं उसने क्या किया? तुझे जूते से मारा, ये हमने टीवी पर देखा है, उसी का बदला ले रहा है ना। नहीं वो बात नहीं है पिताजी, मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ माँ, सुधा का पता लगा के आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन उस मुकेश के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्या कह रहा हूँ? देखा क्या कह रहा है? मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आई। मैंने कहा था नहीं, हमारी बात नहीं मानेगा, मनमानी करेगा आपने। बात करती हूँ, सुनो, उन दोनों को सही सलामत ले आओ बेटा। सुधा मेरी बहन है, उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अपनी बेटी से ज्यादा उस मुकेश की चिंता है आपको? हाँ चिंता है, वो मेरे लिए सब कुछ। इस खूनी राजनीति को क्यों नहीं छोड़ देते? अपनी राजनीति के चक्कर में मेरी बेटी की बलि चढ़ा देगा ये। माँ सुना आपने उन्होंने क्या कहा? तो अपने पिताजी को जानते हो ना। ए, क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? चलो इससे क्या बात कर रहा है, चलो यहाँ से, चलो। आ रही हूँ। चलो
प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सतीश बहुत ही टैलेंटेड है, ग्राफिक डिजाइनर, अच्छा पेंटर भी है। हमारे ऑफिस में उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हमसे एक आदमी ने कहा कि उसने सतीश का खून कर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? ओह माय गॉड, कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में सुजाता नाम की लड़की काम कर रही थी, तब ये बात पता चली थी कि सतीश का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर अचानक उसने रिजाइन दे दिया। मुझे नहीं लगता कि सुजाता ऐसा कुछ काम कर सकती है। उस लड़की का एड्रेस फोन नंबर मिल सकता है क्या? HR से मिल जाएगा आपको। ओके। सतीश को मार दिया है ऐसा कहने वाले की फोटो ये रही, आप इसे जानते हैं? सर इसके कारण ही मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई। इसे छोड़ना मत सर, पकड़ के इसे जेल में डाल दीजिए। अब वो जेल में ही है। आप हर बात के लिए गुस्सा करते हैं। हाँ मैडम, इस कमीने के कारण ही मेरी बीबी को मैंने थप्पड़ मारा। मिस सुजाता, डोंट क्राई। ये फोटो देखकर बताइए, आप इसे जानती हैं? मैंने इसे कभी नहीं देखा मैडम। सतीश बहुत अच्छा लड़का है, मैंने उसके साथ काम किया है, उसने मेरी बहुत मदद की है। इनफैक्ट वो ये भी जानता है कि मैंने वहाँ नौकरी क्यों छोड़ी। हम तुम्हारे एक्स बॉस से मिलकर आ रहे हैं, वो कह रहे थे कि किसी परेशानी की वजह से तुमने जॉब छोड़ दी है। वही तो मेरी परेशानी था सर। वेल डन सुजाता, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने तुम्हें परमानेंट करने का सोच लिया है। थैंक यू सर। इसके लिए तुम्हें मेरे रिजॉर्ट में आके मेरे साथ एंजॉय करना होगा, ठीक है? सर आपकी तो शादी हो गई है ना? हो गई है। तो ये आपको शोभा नहीं देता? ए, जबान संभाल कर, जानते किससे बात कर रही है तू? हाँ शादीशुदा होने के बाद भी मुझे रूम में बुला रहा है, तेरी इज्जत करूँ मैं? ए सुजाता, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ, थूकती हूँ तुझ पर और तेरी नौकरी पर। ए सुजाता, तुम ऑफिस क्यों नहीं गई, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं आज के बाद ऑफिस नहीं जाऊँ। क्यों? राजन ने मेरे साथ गलत हरकत की। सुनो, मेरे लिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं, हीरोगिरी मत करो तुम। मैं जानती हूँ तुम में इतनी ताकत नहीं है, उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। मेरे लिए तुम उससे पंगा मत लो, ये सब मेरी किस्मत है, मुझे झेलना ही पड़ेगा। सुजाता, डोंट वरी, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, ओके? टेक केयर। थैंक यू मैम।
कौन है आप? हमें सतीश के बारे में कुछ पूछना है। आपके घर के ऊपर सतीश रहता था, कैसा आदमी था वो? सतीश बहुत अच्छा इंसान है सर, शांत स्वभाव का, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। मेरा बेटा भी उसके घर आता जाता रहता है सर, लेकिन कुछ दिनों से दिख नहीं रहा है। एक लड़के ने गवाही दी है कि उसने सतीश का खून कर दिया है। क्या कहा? खून कर दिया उसने? यही है वो। सर, ये वही लड़का है जिसने मुझे ऑफिस से घर तक कच्चे पर दौड़ाया था। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था, और ना इससे पहले मैंने कभी उसे देखा था सर। हमने इसे अरेस्ट कर लिया है, ये कह रहा है कि इसने सतीश का खून किया है। हाँ? अरे बाप रे, वो खूनी है। शुक्र है मैं बच गया। अंकल अंकल। बोलो बेटा। मैं जानता हूँ सतीश अंकल कहाँ गए हैं। ए बबलू, बड़े लोगों के बीच में क्यों बोल रहा है, अंदर जाओ। बच्चे को क्यों डांट रही हैं? उसे बोलने दीजिए। बेटा तुम बोलो। उस दिन ना मैं सतीश अंकल के घर अकेला गया था। अंकल अंकल। तुम अकेले क्यों आए हो? दादाजी कहाँ हैं? हाँ? चलो अंदर आओ, बैठो। बताओ दादाजी कहाँ हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, दादाजी कहाँ हैं? दादाजी नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ? हम सब ना काशी गए थे। हाँ। जानते हो वहाँ क्या हुआ? खाना कैसा है सावित्री? बहुत अच्छा है। तो फिर चले? हाँ। सुनो ना। हा? बोलते क्यों नहीं? बोलता हूँ। पिताजी आप जरा यहीं रुकिए, हम रूम बुक करके आते हैं। ठीक है बेटा, मैं दादाजी के साथ ही रहूंगा, तुम मेरी बात सुनोगे? बहुत जिद्दी हो क्या ये, जरा जल्दी जाके आना बेटा। आ जाऊंगा पिताजी, मेरी जेब में 10 पैसे भी नहीं है। आपको पैसे चाहिए ना? हाँ। कहाँ गया? ये लीजिए पैसे। ए, चल। मैं दादाजी के साथ ही रहूंगा। चलो चुपचाप से। मुझे दादाजी के साथ रहना है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, अपने बाप के हाथ में 10 रुपए दे के चला गया। चुपचाप बैठ, समझा? के पास जाऊंगा। जैसा कहती हूँ वैसा कर। जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना चुपचाप बैठो। सर आपने ऐसा क्यों किया सर? अरे उस बुड्ढे से छुटकारा पाने के लिए ही काशी आया था मैं। अब चुपचाप गाड़ी चला, चल। पिताजी दादाजी को भी साथ ले चलते हैं ना। ए, दो थप्पड़ मारूंगा। बहुत बोलने लगा है, चुपचाप बैठ। चुप हो जा, पिताजी मार डालेंगे तुझे। ये क्या, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया? दादाजी दादाजी, मैं आपके साथ रहूंगा दादाजी। अरे पकड़ो इसे, नीचे गिर जाएगा। दादाजी 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 दादाजी, दादाजी मैं आपके साथ रहूंगा। पता नहीं दादाजी कैसे होंगे। आप क्यों रो रहे हो अंकल? मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे पिता अपने पिता से प्यार नहीं करते। मुझे भी मेरे पापा पसंद नहीं है अंकल, उन्होंने दादाजी को काशी में छोड़ दिया। मैं बड़ा होने के बाद उनको हिमालय ले जाके छोड़ दूंगा। तुम चिंता मत करो बबलू, मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढ कर ले आऊंगा।
बहुत बहुत थैंक्स अंकल। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सतीश अंकल को, वो मेरे दादाजी को वापस लाने गए हैं। एक छोटे बच्चे के मन में कितना दुख भर दिया। वैसे तुम इस बच्चे के बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने अपने माता पिता को कहाँ छोड़ा? मथुरा में। क्यों, वहाँ पर कोई आश्रम है क्या? वहाँ हमारा अपना घर है। अच्छी बात। तुम्हें कच्चे में दौड़ाया, बहुत गलत किया, वो भी नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम इंसान नहीं हो। बबलू, मैं जाकर दादाजी को वापस ले आता हूँ। ठीक है पापा। सोनिया, प्रसाद और राजेंद्र दोनों को सतीश ने मुकेश का इस्तेमाल करके सजा दी है। मुझे ऐसा लगता है वो ये सोचता है कि उसने जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। As a human being, he's right. But हमारी नजर में ये गुनाह है। तीन चाय ले क्या? हाँ लाया सर। सर लीजिए, लीजिए सर। क्या बात है सर, एनकाउंटर करने जा रहे हैं क्या? तेरा जो काम है ना वही कर। वो बात ऐसा है कि सर, जिस दिन आप आते हैं उसके अगले दिन ही अखबार में एनकाउंटर की खबर छप जाती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बात है, लेकिन आज वैसा नहीं होगा। ऐसा कहा है सर? अखबार में ये छपने वाला है कि एनकाउंटर के बीच में एक चाय वाला आ गया और वो मारा गया। सर हम बाल बच्चा वाला है, गलती से पूछ ले, माफ कर दीजिए सर। चलो अच्छा मैं चलता हूँ। हेलो, क्या? ठीक है मैं बताती हूँ।
हेलो, हाँ बोलो रोज। रामपाल, क्या तुम मुकेश का एनकाउंटर करने ले जा रहे हो? क्या कह रही हो तुम? मुझे डिपार्टमेंट से अभी खबर मिली है, यूनियन मिनिस्टर नितिन कुमार डायरेक्ट इन्वॉल्व है। कौन सी पुलिस टीम है? कुमार की टीम है। हमेशा की लोकेशन है ना? हाँ वही है। क्या मैं भी चल सकती हूँ? जरूरत नहीं है रोज, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए जरूरी है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। ओके। हमारा एनकाउंटर करना चाहते हो? ए, पकड़ो इन सबको। ए, तू इसको पकड़। ए, बांध इसको पेड़ से। बांध, चल। तुम सबका ड्रामा हम अच्छे से जानते हैं। ए, ए, कस के बांध इन सबको। देख मदन, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ए, अगर ये गलती नहीं करूंगा तो मारा जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, भगोड़ा घोषित करके फाइल क्लोज कर दूंगा। तुमको मैंने अगर खत्म कर दिया तो फाइल तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगी। हाँ, ए, इसको जाने दो, चाबी लेने के बाद जल्दी करना। ए, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में पुलिस पे गोली नहीं चलाई, आज पहली बार चला रहा हूँ। बस तुम लोग के साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ। हाँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? हाँ, यहाँ है फोन, अच्छा वाला। कमान कमान, तू ठीक नहीं कर रहा है। है। अरे तो सेल्फी लेना, सेल्फी। सेल्फी सेल्फी क्या कर रहा है? यहाँ अपनी जान की लगी पड़ी है और तुझे सेल्फी की पड़ी है? भैया, पुलिस वाला मुझे पसंद नहीं है, मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो इसे, मार दो, मार दो। ये क्या है बे, भेंट है या वाटर टैंक है? पुलिस वाला है ना तू? पुलिस वाला कैसा होता जानता भी है तू? एकदम फिट 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 होना चाहिए। हाँ, एक बार खोल दे फिर दिखाता हूँ मैं कितना फिट हूँ। ए, बहुत बोलता है ये, सोचा था इसके सीने में गोली मारूंगा लेकिन नहीं। बेवकूफी कर रहा है तू? ये तेरा एनकाउंटर करने के लिए लोग यहाँ लाए थे और हम तुझे बचाना चाहते हैं और तू हमें ही मार रहा है। गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। मैं पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। पर गलती करने के लिए जिंदा रहेगा तब ना। ये कौन है, जाकर देखो उसे। We'll be right back.
यस सर। मुकेश। हाँ सर, इस मुकेश का क्या करें? इसने तुम सबकी जान बचाई है। ओके सर, ये भाग गया है, ऐसी रिपोर्ट बना देते हैं सर। हाँ मुकेश। हे, तुम्हारी वजह से आम जनता भी परेशान है और पुलिस भी परेशान है। कुमार टीम कॉलिंग सर, तीन अपराधियों को मार के फोन कर रहा हूँ सर। बचने की कोशिश करते समय मुझ पर और मेरी टीम पे हमला किया, आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी, उनमें से एक भाग गया सर। एमपी नितिन कुमार ने तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए कहा था सर। सतीश जिंदा है सर। वाह सर, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। इससे तुम खून के केस में तो बच जाओगे, लेकिन किडनैपिंग केस में? सर, नितिन ने ही सुधा को किडनैप किया है। मैं सुधा को किडनैप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किडनैप किया होता तो वो मेरा एनकाउंटर नहीं करवा देता। अब हम नितिन के घर ही जाएंगे, तुम्हें देखते ही उसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। हेलो। हेलो सर, मैं पुलिस ऑफिसर रामपाल बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए सर। मैंने इसे एनकाउंटर से बचा लिया। वेरी गुड। रोज को मुकेश के एनकाउंटर के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश अच्छा लड़का है सर, लेकिन कभी कभी बचपना कर जाता है सर। वो सतीश अभी भी जिंदा है, मुकेश ने उसे देखा है। अगर ये बात सच है तो सर, सुधा को अगर ढूंढ लिया जाए तो मुकेश बाहर आ सकता है। सर ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसके बारे में मैं आपको लगातार बताता रहा। वेरी काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। हेलो मिस्टर रामपाल। हेलो सर। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। क्या बात है? आई डोंट नो। हाँ बोलिए मिस्टर इकबाल, यहाँ कैसे आना हुआ? सर मुकेश का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। okay. मेरी जानकारी के बिना यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। उसे खत्म करने के लिए कह दिया, अभी तक तो उसका एनकाउंटर हो गया होगा। ये कहाँ से आ गया? ए, तू अभी तक जिंदा है? सर, सुधा को कहाँ पर रखा है? ए, तू सब कुछ जानता है? ए, मेरे ऊपर जूता फेंका, उसके लिए माफ कर दिया, लेकिन मेरी बहन का वीडियो बनाया उसके लिए मैं तुझे। सर, उसकी सीरियस ने जाने बिना गलती कर दी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सुधा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे चुप रहो। हेलो मिस्टर रामपाल, मेरे माँ बाप ने मुझे अलग कर दिया है, अब मेरे पास मेरी बहन के सिवा और कोई भी नहीं है, और ये कह रहा है कि मैंने उसे किडनैप करवाया। ए विजय, वो कागज दो। ये लीजिए भैया, ये लीजिए। ये फोटो तो आप पहले हमारे डिपार्टमेंट में भेज चुके हैं। इसे पलट कर देखिए ऑफिसर। मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे ऊपर जूता फेंकने वाले का तुम एनकाउंटर करवा दो। जैसी ये न्यूज मुझे मिलेगी, सुधा को रिलीज कर दूंगा। ये सब एक हफ्ते के अंदर होना चाहिए। सर जरा वो फोटो मुझे दिखाइए ना। सर अगर आपके इरादे नेक थे तो एनकाउंटर करने के लिए क्यों कहा, हमें बता सकते थे? आप चाहते थे कि मुकेश की मौत हो जाए, है ना? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है, ये नहीं। सर जरा वो कवर दिखाइए ना। राम टी भूपालन 40/42 रामनगर मथुरा। सर सुधा इस पते पर तो नहीं है, ये बात पक्की है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कहां है। सर जरा अपना मोबाइल दीजिए ना। किस लिए? इस एड्रेस के बारे में एक कॉल करना है। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो अंकल, मैं मुकेश बात कर रहा हूँ।
हाँ बोलो मुकेश। अच्छा अंकल ये बताइए, उस सतीश का सिम एड्रेस मथुरा में रजिस्टर किया था ना? हाँ। अगर वहाँ का पता मिल जाए तो इस नंबर पर एसएमएस कर देंगे आप? ठीक है, मैं इसी नंबर पर एसएमएस करता हूँ। ओके अंकल, थैंक यू। सर सर, एसएमएस में मथुरा का एड्रेस मिल गया है, मैं वहाँ के लिए फौरन निकल रहा हूँ। सुधा के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। चलो चलते। हाय रोज। हाय। I'm okay. इसे एनकाउंटर से बचा लिया, लेकिन डिपार्टमेंट की नजरों में ये एक फरार अपराधी है। मैं सोच रहा था इसके लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है, तो यहाँ से ज्यादा मुझे नहीं मिली। मुझे सतीश का मथुरा का नंबर मिल गया है, हो सकता है कि सुधा वहीं पे हो। इस समय मैं वहीं पे जा रहा हूँ, अगर कोई बात होती है तो मुझे फोन करना। ओके ओके रामपा। हाँ टेक केयर। श्योर। कम। बैठो। ये क्या है? वो सुधा को किडनैप करने वाले ने नितिन कुमार को यही कुरियर कवर भेजा था। फ्रेश होकर कपड़े बदल। ओके मैडम। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं नितिन कुमार, सेंट्रल मिनिस्टर। ओह सॉरी सर। बोलिए क्या बात? हाँ, मुकेश तुम्हारे घर पर है ना? हाँ, लेकिन क्यों पूछ रहे? बस ऐसे ही चेक करने के लिए। थैंक यू। मुकेश। मैडम, रामपाल का वहां जाना बेकार है, क्योंकि वो लोग तो ईसीआर रोड पर ईस्टवुड होटल में है। तुम खुद देख लो ना। हाँ? अरे हाँ मैडम। एक काम करो, रामपाल को फोन करो और उसे इन्फॉर्म कर दो। ओके मैडम। सर प्लीज कम इमीडिएटली टू ईस्टवुड होटल एट ईजीआर रिगार्डिंग सतीश केस। उन्हें इन्फॉर्म कर दिया? मैडम उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है, मैंने एसएमएस कर दिया है। ओके। मुकेश वो कैप लगा लो। ओके मैडम।
जी मैडम बोलिए। ये लड़की यहीं पर है? जी मैडम। मास्टर की है? यही रूम है मैडम। टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं, सतीश ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो खुद तुमसे नाराज होकर थोड़े दिन तुमसे दूर रहने के लिए रिसॉर्ट में आ गई थी। लेकिन क्यों? बस अपने प्यार को थोड़ा और मजबूत करने के लिए। अरे अच्छा, मेरी तरह तेरी भी जीवन रेखा बढ़ी है। हा? एक बात बता, एनकाउंटर से कैसे बच गया? मैं चुप, समंदर में फेंक दिया था तो तू कैसे बच गया? वो तो भला उस सुधा का, उसकी वजह से मैं बच गया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने इसे बचाया। अबे उसको उठा लिया हमने, बस जा रहे हैं इसका खेल खत्म करने। इसे भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। ए फोन रखना है। ए हेलो सुधा, मुकेश बहुत बड़ी गलती करने वाला है, तुम्हें उसे बचाना होगा। हे, लेकिन मैं अभी दिल्ली में हूँ। सतीश नाम के लड़के को वो लोग समुद्र में फेंक कर जान से मारने वाले हैं। हे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो मारने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें बचाना होगा, वो लोग पक्का मदन से मिलने जा रहे होंगे। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं कुछ करती हूँ। फोन नहीं उठा रहा है। हेलो भैया, मैं सुधा बोल रही हूँ। बोलो सुधा, क्या बात है? सुनिए ना, बहुत जरूरी बात है। हाँ बोलो। मेरा एक फ्रेंड है ना, उसे तुम चिंता मत करो, वहाँ समुद्र के किनारे मेरा एक दोस्त रहता है, उसकी मदद से उसे बचा लूंगा मैं। हेलो, तुमने जिसके बारे में बताया था उसे बचा लिया है और हमारे लोगों ने उसे वहां से ले जाकर पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सतीश कौन से रूम में है? सतीश आप यहाँ? मैंने ही आपको बचाया है। बहुत शुक्रिया सुधा। आप मुझे कैसे जानते हैं? पहले बैठिए ना। आपकी और मुकेश की क्या दुश्मनी है? वो बात ये है कि हे, मेरा फोन नहीं मिल रहा यार। क्या साहब, फोन का ध्यान नहीं रहता आपको, लीजिए। मैंने सब देख लिया, अपनी मंगेतर का नहाते हुए वीडियो बनाया है तूने। सर भगवान के लिए मेरा फोन वापस दे दीजिए सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा सर। ओ, तो मैं जो कहूंगा करोगे?
उसे छोड़ दीजिए, यही बेहतर होगा। सतीश, आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। मैं उससे जितना प्यार करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। वो एक बच्चे जैसा है। कुछ लोग सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन वो बिना सोचे समझे, ये उसकी आदत है, वो सुधर जाएगा। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हेलो। हे सुधा, क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं, तुमसे मिलना है, बातें करनी है। कहाँ? वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। ओके, मैं आती हूँ। ओके। ओ, तो आप मुकेश से मिलने जा रही हैं? हाँ। अगर वो आपको सच बताता है तो वो आपसे सच्चा प्यार करता है, और अगर नहीं तो मेरी बात सच है। चलो ये भी देख लेते हैं। एक और जरूरी बात सतीश, उसने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको बचा लिया, इसीलिए प्लीज पुलिस के पास मत जाइएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये सब तो ठीक है, गलती करने वाले राजन और किशन को मुकेश के जरिए सजा दी, लेकिन यूनियन मिनिस्टर नितिन के ऊपर इससे जूता फेंकने को कहा, इसकी वजह मुझे अभी तक समझ नहीं आई। इसे आप इत्तेफाक समझ सकती हैं या मेरा मास्टर प्लान? अरे भैया, एक फ्लेक्स रेडी करना है। हाँ, तो इतनी देर से क्यों आए हो? तुम्हारा बॉस जो है मेरा दोस्त है, उससे बात हो गई है। कल सुबह की फ्लाइट से हमारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए एक बढ़िया सा फ्लेक्स बनाना है। लो ये फोटो देख लो, इस फोटो में से उनकी फोटो ले लो। ये कौन है? ये नेताजी के माता पिता हैं भाई। और ये लड़की? ये उनकी बहन सुधा है। अरे भाई, पूरी फैमिली के बारे में पूछोगे या फोटो निकालोगे? तुम अपना काम करो, मैं चाय पी कर आता हूँ। इसका मतलब है सुधा केंद्रीय मंत्री नितिन कुमार की बहन है। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मुकेश के प्यार की बैंड बजा दूंगा। हाँ। ए, क्या हुआ? जैसा तुमने कहा था, उसने सब कुछ छुपा दिया। मैंने उससे जूते फेंकने वाली बात पूछी। हम दोनों को कहीं पर देख लिया है, मुझे बुलाकर धमकाया तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने क्या किया जानती हो? जूता फेंक कर सीधे उनका अपमान कर दिया। हे, नाटक कर रहे हो क्या? नितिन ने मुझे सब बता दिया है। तुमने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया ना? सुधा, सुधा मेरी बात तो सुनो सुधा। But I still love him. देखो, मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ। मैं एक आइडिया देता हूँ। आइडिया थोड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर मानोगी तो शॉक ट्रीटमेंट के बाद मुकेश सुधर जाएगा। एक हफ्ते के लिए किसी रिसोर्ट में जाकर रहो। हाँ। वो तुम्हें मिस करेगा, तुम्हें ढूंढेगा और फिर वो सुधर जाएगा। ओके, देखते हैं तुम्हारा आइडिया कितना वर्क करता। ए, ये फोटो क्यों खींच रहे हो? नया मोबाइल है, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इसलिए चेक कर रहा। हाँ? था। ठीक है, बाय। ने मुझे पुलिस से पकड़वाया, नितिन को फंसाया और मैं पीछे हट गया। एक और बात, ये नहीं जानता था कि सुधा नितिन की बहन है, लेकिन मैं जानता था। मुकेश, मेरे बिछाए जाल में तू फंसने वाला है। तो तूने प्लान बनाकर मुझे धोखा दिया। कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, और तुमने भी ऐसा ही किया। वो सब छोड़ो, बताओ सुधा का वीडियो तुम्हारे पास है या नहीं? मैंने खुद को बचाने के लिए झूठ कहा था, वीडियो तो उसी के मोबाइल में था। मुकेश, अब तुम बताओ वो वीडियो तुम्हारे पास है या नहीं? वो फोन हासिल करने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें सही, इसलिए फोन मेरे हाथ आते ही उस मेमोरी कार्ड को मैंने जला दिया।
तुमने क्या किया? मुकेश, बोलो रोज, मुझे खुशखबरी दो। उन दोनों को मैंने खत्म कर दिया, अब वो वीडियो कोई नहीं देख पाएगा। वेरी गुड। लेकिन अब मेरी कीमत 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ है। रोज, क्या तुमने वो एसएमएस देखा? ये एसएमएस पुलिस तक ना जाए। ठीक है रोज, पैसा मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मुझे बस उसकी मौत से मतलब है। ठीक है, दोनों की डेड बॉडी की फोटो मुझे भेज दो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मुझे गोली मारोगी? मारो ना, ये तेरे बस की नहीं सुधा। बात नहीं है, समझी? पिस्तौल ठीक से पकड़ नहीं सकती, तू मुझे गोली मारेगी? चल। नहीं सुधा। सब करने की क्या जरूरत थी रोज? माने मुकेश और सतीश को मार दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता हूं।